हेलो एवरीवन, दिस इज उमर खान। सो गाइस, आज जो वीडियो में हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, सारे पूछ रहे हैं, जो मैं बात कर रहे हैं वीडियो के रिलेटेड, वीडियो में बात कर रहे हैं वो है हाउ वी रिमूव द चेस्ट हेयर। सो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप मैं बता देता हूँ कितने मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम लोग जो चेस्ट के हेयर हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस, आप नोट कीजिएगा, पहले नंबर पर वैक्सिंग और सेकेंड नंबर पर हम लोग करते हैं जो ट्रिमिंग एंड थर्ड नंबर पर शेविंग और चौथे नंबर पर लेजरिंग। अगर हम बात अब पहले नंबर की बात करें, अगर वैक्सीन की बात करें, वैसे ये आम है, मतलब जितने भी जो अगर सोसाइटी में कहीं पे भी अवेलेबल हर जगह है। तो वैक्सीन में क्या होता है, आप जहाँ पे वैक्सीन करते हो तो एक इट इज़ ए पेनफुल ट्रीटमेंट। सो इसके लिए मतलब पेनफुल है, जब आप ही करते हो वैक्सीन तो इस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ी पेनफुल रहती है। या कहीं ना कहीं ऐसे बंदे होते हैं जिनको थोड़े से पिंपल्स बाहर आ जाते हैं इस चीज़ से। सो मैं अपनी खुद की बात करूँ, जब मैंने खुद एक बार जब स्टार्टिंग में यूज़ किया तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती, पेनफुल लगी थी, और कुछ यहाँ की बात अगर करें चेस्ट की अपर साइड की बात करें, मुझे कुछ पिंपल्स निकले थे। सो अगर जो लोग करना चाहते हैं, जिनका स्किन अलो करता है ये चीज़ करने के लिए, सो ये बेटर है, आप ये कर लीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात सेकंड की कर रहे हैं, ट्रिमिंग तो सबसे बेस्ट है आजकल। अगर ट्रिमर्स की बात करें तो हर जगह अवेलेबल है, चाहे सैलून हो या मार्केट में आप सेल्फ ही ले सकते हो। ट्रिमिंग में क्या है, जीरो नंबर आप कर सकते हो, अच्छी तरह जो बॉडी है, चाहे आपके चेस्ट हेयर या लोअर एब्स की बात करें, लोअर एब्डोमेन की बात करें, वहाँ पे भी आप ट्रिम कर सकते हो। जीरो साइज भी कर सकते हो, मतलब आपका जो चेस्ट स्मूथ नहीं रहेगा बट रफ साइज ही रहेगा, रफली थोड़ा आपका ये पूरा ये जो पोर्शन है वो रहेगा। तो वही बात इस ट्रिमर की। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे थर्ड पर बात करें, वो है शेविंग। को क्या है, शेविंग से आप पूरे जो बॉडी को आप शेव करते हो, पहले आपको कुछ फोम लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ से आपको बचने के चांस कट लगने से कम चांसेस होते हैं। और इस चीज़ के श्योर जब आप शेव करते हो, आफ्टर शेव के बाद आपका सीर जितना भी स्किन है, चाहे वो चेस्ट पार्ट है या नीचे के बात ब्राउन की बात करें, वो पूरा स्मूथ दिखता है। मेन चीज़ अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें, जिम वर्कआउट में जितने भी लोग करते हैं उन चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पार्ट सही से दिख रहा है शेविंग के थ्रू, आप जब इस वर्कआउट कर रहे हो या जिस बॉडी की पार्ट को आप ट्रेन कर रहे हैं, आप अच्छी तरह वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है या क्या कुछ हो रहा है, आपको सही से पता चल जाएगा। रही बात अब लेजरिंग की, लेजरिंग की बात अगर इंडिया की बात करें, हर जगह जितने भी हॉस्पिटल्स में आजकल तो अवेलेबल ही हैं, तो आप अगर एफर्ट कर पा रहे हो तो लेजरिंग तो बेटर है, आप कर सकते हो। अगर मैं आप खुद की बात करूं तो लोग पूछते हैं, यहाँ मैं जिम वर्कआउट करता हूं, या वहां पे पूछते हैं, या क्वेश्चंस भी आते हैं, आप क्या करते हैं, आपके लिए सही क्या? मेरे लिए सही है, मैं पहले ट्रिम करता हूं अपनी बॉडी को, आफ्टर डेट जब ट्रिम करने के बाद मैं शेविंग करता हूं, क्योंकि उस चीज़ के लिए मेरा जो बॉडी स्मूथिंग अच्छी रहती है। बेटर अगर आप भी करना चाहते हो, आप ट्रिम फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रिम कर दीजिए बॉडी को, उसके बाद आप शेव भी कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप कुछ इस वीडियो के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप ज़रूर पूछ सकते हैं। सो मेन चीज़ है, अगर आप कुछ और अपडेट्स में इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप खुद तक पहुंचाना चाहते हो, या नॉलेज चाहिए किसी चीज़ के लिए या क्वेश्चंस के लिए करने के लिए, सो आपको एक चीज़ काम करना पड़ेगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सो आल्सो शेयर दिस वीडियो। अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स का बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले सेगमेंट में और किसी टॉपिक के लिए, तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, टेक केयर, खुदा हाफिज़।